अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद सब कैरियर से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हूँ। पिछले दिन बुखार में था और काफ़ी बुखार हुआ था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है काम सारा। और माशाल्लाह जो है कुछ अपडेट्स देनी थी मैंने आपके साथ में शेयर करनी थी और कुछ चीज़ें मेरी नज़र में आई थी जो कि मुझे कुछ सीनियर मेम्बर्स ने बताई थी वो मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अपडेट ये थी जनाब के जो ऑफिशियल विड्रॉ था दी वैलेट्स के ज़रिए से हम जो है वो USD का स्टैंडर्ड रेट पे जो है वो सारा विड्रॉ जो है प्रोसेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन कल भी 400-500 के करीब रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई थी और आज भी हो रही हैं। इंशाल्लाह जो है ये प्रोसेस जो है ये चल रहा है और बाकी जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी रेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी स्टेबल हो जाएगा बहुत जल्दी और स्टेबल हो रहा है तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रही हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है अब इन चीज़ों पे जल्दी काबू पा लेंगे। और बाकी एक और अपडेट देनी थी आप लोगों के साथ में वो ये कि मार्केट में मैसेजेस जो हैं बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं मेरे हवाले से कि मैंने जो है वो ये कहा है मैसेंजर के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से। तो एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त ना ही मैसेंजर यूज़ कर रहा हूँ और ना ही व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ और जो यूज़ मैं कर रहा हूँ सिर्फ टेलीग्राम यूज़ कर रहा हूँ। और टेलीग्राम पे आप जो है जो बंदा भी इसके हवाले से अपडेट दे कि राणा साहब ने ये कहा है तो वहाँ पर लिंक मेरा लाजमी चेक कर लें। मेरा लिंक जो है ये पाज हो गई थी जी, मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि मेरा लिंक जो है मेरी प्रोफाइल जो है टेलीग्राम पे वो जो है वो निकजाल्ट ऑफिशियल के नाम से है और मोहम्मद खलीफा के नाम से मैं जाना जाता हूँ वहाँ पे। तो आप जो है सिर्फ ऑफिशियल को वहाँ ही देखें और किसी की बात पे भी जो है वो आप कह लें कि सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। टेलीग्राम के चैनल्स जो हैं मैंने इस यहाँ पे सेंड किए हुए हैं और उसके अलावा जो है जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो भी सभी के पास हैं। सिर्फ वही बात जो है वो आप आगे फैलाएं या स्प्रेड करें कि जहाँ पे जो है हमने ऑफिशियल पेज पे बताई हुई है ऑफिशियल पेज वाली ही देखें। और बाकी जो है ऑफिशियल विड्रा के बारे में मैंने बता दिया है कि वो प्रोसेस हो रहा है, वो आप जो है जब भी चाहें रिक्वेस्ट लगाएं और इंशाल्लाह जो है मैं इसको एज सून एज पॉसिबल जो है प्रोसेस करवाने की पूरी ट्राई करूँगा। और बाकी XLT में अगर आप लेना चाहें XLT में ले सकते हैं, USD के ज़रिए से कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी अपना जो है वो दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक जो है हम सब पे अपना रहम फरमाए, हम जो है अपनी कोशिश जो है पूरी करेंगे और इंशाल्लाह जो है हर चीज़ को फेस करेंगे। ठीक है जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। फीमानिल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक चीज़ जो है कहना भूल गया था यहाँ पे, अभी जो है उसी चीज़ के लिए दोबारा से लाइव आया हूँ कि विड्रॉ के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि विड्रॉ नहीं हो रहा। तो आप सभी को मैं बताता चलूँ कि विड्रॉ जो है वो हो रहा है और होता रहेगा। और जनाब इस तरह है कि डेफिनेटली पहले जो है सिस्टम सारा PKR में चल रहा था तो सारे लोग जो हैं सारे हैं कि उसी तरह से हो, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है हमने अपडेट की है, ठीक है, और उस पॉलिसी के रिलेटेड जो है सभी को टाइम भी दिया था और ये बताया था कि अगर जो है जो बंदा जिस तरह विड्रॉ लेता रहा है अगर उसी तरह लेना चाहता है यानी कि PKR की सूरत में लेना चाहता है तो वो जनाब अपना जो है होल्ड ऑप्शन यूज़ कर सकता है और होल्ड ऑप्शन वालों को 1 मार्च से प्रोसेस किया जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जितना भी जो विड्रॉ का प्रोसेस है XLT के थ्रू हो रहा है और सारे सभी लोगों को इंटरटेन किया जा रहा है और जो लोग होल्ड पे गए थे उनको भी डेली बेसिस पे जो है वो जितना भी विड्रॉ था वो प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, जो होल्ड पे गए हैं। तो इस चीज़ को आप जो है वो माइंड में बिठा लें, ठीक है,
कि जिन लोगों ने होल्ड पॉलिसी को यूज़ किया है सिर्फ उन्हीं को पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो है वो इंटरटेन किया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं। और हमारी नेक्स्ट पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ जो है हमारा XLT के थ्रू ही होगा। आप इस चीज़ को काइंडली नोट कर लें, अपने पल्ले से बांध लें काइंडली। और एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि USD के थ्रू हम विड्रॉ दे रहे हैं वो हम जो है वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन लेके आए हैं, आप जो है उसके थ्रू विड्रॉ ले सकते हैं। हम जो है ये USD के थ्रू विड्रॉ जो है हमने जस्ट जो है वो आप कह लें कि आपकी सहूलत के लिए मुतारफ करवाया, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि हमें जो है USD हमें मिल जाएगा तो हम कन्वर्ट कहाँ से करेंगे, तो उस सहूलत को हमने प्रोवाइड किया है आपको ताकि जो है आपके घर का सर्कल जो है वो रनिंग में रह सके। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फिर बताना चाहूँगा कि अभी की पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ XLT ही विड्रॉ है। और उसके बाद भी आपको चीज़ और अपडेट देता चलूँ, XLT के हवाले से रेट डिफरेंस है, लोग जो हैं इसको कहते हैं कि हमने विड्रॉ नहीं करना, तो वो खुद विड्रॉ नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट से विड्रॉ नहीं मिल रहा। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से क्लियर कर लें, कॉम्प्लीमेंट से विड्रॉ बंद नहीं है, कन्फ्यूजन है। और आप जो है उस कन्फ्यूजन को ये कहते हैं, यानी कि जो रेट डिफरेंस की कन्फ्यूजन है वो ये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट से विड्रॉ नहीं है। तो आप इस बात को क्लियर कर लें नंबर एक। और नंबर दो, XLT के हवाले से बताना चाहूँगा कि कुछ अरसा पहले जो है वो XLT 600 रुपये पे तक था, ठीक है, 600 से एकदम जो है वो 200 पे आया, 300 पे आया, 400 पे आया। लेकिन डेफिनेटली जो है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऐसा पॉसिबल होता है और ऐसा हो सकता है। और जो जब 600 पे था, जब 200 पे आया, तो लोग कह रहे थे कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा। लेकिन अभी जो है आप उन चीज़ों को देख लें कि वो नीचे आया था तो ऊपर जाने के लिए, तो ऐसा जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होता है, नीचे आती हैं तो ऊपर जाने के लिए ही आती हैं। और जिन्होंने, ये बात भी आपको अपडेट देता चलूँ कि जिन्होंने 600 पे बाय किया था, ठीक है, उस वक्त 600 पे बाय कर लिया था मेरी, जब मैंने होल्ड ऑप्शन दी थी, तो उसके बाद में वो 600 पे जिन्होंने बाय किया वो इस वक्त ओवर प्रॉफिट के अंदर है, ओवर प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि इस वक्त जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1000 पे इजीली सेल हो रहा है। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक महीना पहले की बात है, एक महीना पहले जो है वो 600 पे था, तो अभी जो है ये 2200 पे है, शायद मेरा ख्याल 2200 पे नहीं है, आई थिंक शायद 1900 पे, 1900 के 2000 पे है। तो 1900 से 2000 पे जो आज बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये अपना यहीं पे रह जाएगा, ये इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट करेगा। और जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं इसे ऊपर से ऊपर लेके जाने की ट्राई करूँगा और इसको इजी करने की प्रोसेस को करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप इस चीज़ को देख लें और नेक्स्ट जो है वो इस तरह बात ना करें कि आपको विड्रॉ नहीं मिल रहा, आपका रेट डिफरेंस है। आप इस चीज़ को ये मत कहें कि विड्रॉ नहीं है। तो ये बात मैंने मुकम्मल डिटेल के अंदर आके समझा दी है, उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।